What's up beautiful people out there, this is your host Dishu Khanna and welcome to Dishu Vlogs. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा रेगुलर वीडियोस देखने में जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ यार. तो अभी ना क्या हुआ था, हमारी एसेसरीज की वीडियोस थोड़ी कम हो रही थी तो मैंने सोचा कि एसेसरीज का वीडियो लाता हूँ. आपकी डिमांड भी एसेसरीज के लिए अच्छी रहती है, आप व्यूज़ भी अच्छे देते हो और सपोर्ट भी अच्छा करते हो उस पर. तो आज हम पहुँचे हुए हैं कहाँ, आपको बैक से पता लग चुका होगा कहाँ हैं हम. हैं सन्स मोटर शॉप पे और आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की एसेसरीज. और इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, उसके एग्जॉस्ट से लेकर सारी जितनी एसेसरीज अब तक मार्केट में अवेलेबल है सब दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर. तो आप लोग अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा तो वीडियो लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो वो भी कर दो, क्योंकि यार ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. आप लोग सपोर्ट करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है 328 वीडियोज़ को आप लोग सक्सेस कर रहे हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चीज़. तो बढ़िया है यार, अंत तक बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को, तो शुरू करें. बताया तो था कि आज मैं सन्स मोटर शॉप पे, तो भी बुलाते हैं संदीप भैया को, और संदीप भैया कहते हैं संदीप भैया जरा बताओ जो जो चीज़ें हैं आपके अवेलेबल कॉन्टिनेंटल GT 650 के लिए. तो बस थोड़े बिजी है भैया, बस आ रहे हैं. तो भैया आ जाओ जल्दी. दो से तीन ऑप्शन हर चीज में अवेलेबल रहेंगे, होता है. तो मैंने बता दी जैसे की कॉन्टिनेंटल GT 650 की एसेसरीज दिखा रहे हैं आज हम जी, तो जरा बताइए उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास. कॉन्टिनेंटल 650 GT हो, आपके पास इंटरसेप्टर हो, दोनों का कॉमन एसेसरीज है, एक या दो आइटम्स को छोड़ के. तो हमारे पास सारी की सारी आइटम्स आपको मिलेंगी. एग्जॉस्ट हो जाए आपकी, ग्रिल्स हो जाए, हेडलाइट ग्रिल हो, एडिटर ग्रिल हो, क्रैश गार्ड हो, लेग गार्ड्स हो, आपके कैरियर्स हो, बैक रेस्ट हो, फुट रेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट सेंस मोटोशॉप. अब मेरा एक क्वेश्चन था, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं कि यार इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT दोनों डिफरेंट बाइक्स है, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि क्या डिफरेंस होता है. हाँ, डिफरेंस है, आपके बॉडी लाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो बेसिक जो बाइक के फ्रेम है और चेसिस है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है. सारी की सारी जो एसेसरीज है, आप रेडिएटर ग्रिल हो, रेडिएटर गार्ड जिसे कहते हैं, कैरियर हो, बैक रेस्ट हो, एग्जॉस्ट हो, एवरीथिंग इज सेम, एब्सोल्युटली सेम. तो चलो अब एसेसरीज की बात करिए, तो यहाँ पे हमने इतनी सारी एसेसरीज तो लगा ही रखी है, तो उस पे चलते एक बारी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो आपके राइट से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे को ये दिख रहे हैं फुटरेस्ट हैं, ये कॉन्टिनेंटल GT और आपका इंटरसेप्टर 650 दोनों के ऊपर डायरेक्ट फिट है. तो दोस्तों आपको दिशु आपको भी पता होगा कि उनका जो एग्जॉस्ट है तो उसका और जो फुटरेस्ट है उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है, और एग्जॉस्ट जो है बहुत गर्म हो जाता है इंटरसेप्टर का, 650 सीसी का इंजन है तो बहुत गर्म होता है. तो ये फुट प्लेट है, पूरी का पूरा एक फुटरेस्ट है, आपका पैड है ये पूरा का पूरा जो आप दोनों तरफ से लग जाएगा, और बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टेनलेस स्टील का इसका है. हाँ, और इसमें आपको ब्लैक में भी पाउडर कोटिंग के साथ SS में और माइल्ड स्टील दोनों में अवेलेबल होगा. okay. और SS की सर लाइफ टाइम गारंटी है इशू, इसकी क्रैक हो जाए या रस्टिंग हो जाए तो हम इसकी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं. ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देख रहे हैं, हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत इनके कैरियर विद बैकरेस्ट पड़े हैं, विदाउट बैकरेस्ट या विदाउट कैरियर भी हमारे पास अवेलेबल है. ये है किसी को नॉर्मल चाहिए, थोड़ा सॉबर लुक में चाहिए, कभी सिटी राइड है, मेरे को ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, कैरी नहीं कर रहा है सामान. लेकिन इसका फायदा थोड़ा सा ये रहता है कि आपकी जो टेल लाइट है, GT हो या 650 इंटरसेप्टर हो, टेल लाइट बाहर की तरफ है, तो कोई हिट करेगा पीछे से तो ये थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट कर लेगा जी. ठीक है, और ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, पूरा लाइट वेट है, बहुत खूबसूरत है, और इसमें हमारे पास विदाउट कैरियर भी अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, और आपको MS में चाहिए, MS में ब्लैक पाउडर कोटिंग में, ब्लैक पाउडर कोटिंग SS में, आपको वो भी ऑप्शन हमारे पास मिल जाएगा. मतलब काफी ऑप्शंस रहते हैं अपने पास, शॉप पे आना पड़ेगा या फिर व्हाट्सएप करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, एंड इवन फॉर द प्राइसिंग एज़ वेल, ये जो हमने आइटम दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा या कॉल कर लो, आपको प्राइसिंग का भी पूरा आइडिया मिल जाएगा क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला. और नंबर नीचे फ्लैश करेंगे आपको, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए डायरेक्टली, आपको सब कुछ प्राइसिंग वगैरह सब डिटेल आ जाएगी. ये दूसरा, इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रोबस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का कैरियर कम बैकरेस्ट है ये. और इसकी खास बात ये है उन लोगों के लिए जो राइडिंग करना पसंद करते हैं. हाँ, वो पीछे पता लग रहा है लगेज रखने के लिए, लगेज रखने के लिए है. और इसमें खास चीज ये है कि जो लोग अपनी सीट को थोड़ा कुछ नहीं करवाते हैं, थोड़ी सीट चौड़ी हो जाती है, ठीक है, बाहर निकलती है, तो ये कैरियर जो इसका बैकरेस्ट जो है ये इसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो ऐसे दिखाए तो यहाँ पे जो पेज है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं.
तो और इसमें आपको पाउडर कोटिंग है एमएस के अंदर, और स्टेनलेस स्टील में भी पाउडर कोटिंग के ब्लैक में आपको अवेलेबल होगा, लाइफ टाइम गारंटी के साथ मिलेगा ये आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर। और इसी के साथ हमने एक लास्ट टाइम भी दिखाया था जो माइल्ड स्टील का कैरियर और बैकरेज, जिसको हम एक्सपीडिशन कैरियर भी कहते हैं, इसके साथ एडजस्टेबल हाइट एडजस्टेबल बैकरेज आता है, वो हम पहले अपने फ्रेंड्स को वीडियो को पहले एक वीडियो आज का, बट इस पर थोड़ा कॉन्टिनेंट में फोकस करना चाहता हूं तो इसलिए डाल दिया, फिर भी मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक जरूर दूंगा कि आप देखो उस वीडियो को जाके भी। तो अगली चीज पे बढ़े, अगली चीज हम लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए सबसे आगे हमारे पास ये रेडिएटर ग्रिल है, ये स्टेनलेस स्टील की है और इसमें हमारे पास दो तीन डिजाइन मिल जाएंगे। उसके बाद एक सिंपल एक माइल्ड स्टील में ब्लैक कलर बेसिक जो कह सकते हैं आप, बेसिक जिसे कहते हैं, बट ये जरूरी होती है रेडिएटर ग्रिल की यार। रेडिएटर यार एक्चुअली आपको मालूम है ये ऑफरिंग और ये टूरिंग के लिए बनी है, वो तो है ये, तो उसमें ये आपको चीजें बहुत जरूरी मिलती है, बहुत जरूरी रहती है। और तीसरी चीज ये खूबसूरती है, जब ब्लैक कलर का रेडिएटर है ऊपर से इंटरसेप्टर लिख के आएगा तो बहुत बाइक तो वैसे ही चमकेगी चमकेगी यार। उसके बाद अगर आप बात करीजिए तो हमारे हेडलाइट की प्रोडक्शन ग्रिल है, उसके साथ ये अटैच है, ये भी बिल्कुल कुछ आपको बताऊं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये भी स्टेनलेस स्टील के अंदर आती है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ग्रिल है, मोस्टली लोग स्टेनलेस स्टील ही प्रेफर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इतनी महंगी बाइक ले रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील प्रेफर करेंगे। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, अगर एक बात बताऊं यार, 2.5 लाख 3 लाख की अगर बाइक आ रही है उसमें यार ये छोटी सी चीज है, ये एक्सेसरीज की अमाउंट कितना होगा यार, उसको कुछ भी नहीं है, जो बाइक की वैल्यू है और बाइक को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, ऊपर जाके बाइक को प्रोटेक्ट करेगी वो अलग से की, ये सारी एक्सेसरीज यार बनी इसलिए कि बाइक को अपनी प्रोटेक्शन है, सिर्फ नहीं बनी वही है। तो अगला हमारे एग्जॉस्ट की बात हम बात आती है एग्जॉस्ट की, जिसकी आजकल बहुत डिमांड आ रही है आपको दोस्तों, वाली जो लोग कहते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैट फिनिश के अंदर स्टेनलेस स्टील के एग्जॉस्ट है, बहुत ही खूबसूरत एग्जॉस्ट है, और एक कुछ आपको डिजाइन दिख रहा होगा दोस्तों, ये डिजाइन भी एडिशन आपको बताना चाहूंगा, ये डिजाइन के साथ साथ इसका एक पर्पज भी है, ये पर्पज ही है कि इसको कूलिंग इफेक्ट देता है एग्जॉस्ट को गर्म होने से बचाता है, ये अच्छी चीज है काफी कि आप अगर बुलेट वगैरह चलाते हो जो नॉर्मल वो गर्म हो जाते हैं एग्जॉस्ट, बट इसमें एक अच्छी चीज ये फोन में आपको देखा होगा बेल्ट पाइप से फिल्टर लग के आ रहा है, हाँ, वो भी यही काम करता है, इसमें हमने इनबिल्ट लगा दिया है तो किसी को ऐसा हीट अप होने का इशू नहीं आएगा, लोग कहते हैं नहीं यार इतना मोटा साइलेंसर होता है थोड़ा पतला है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का है, हीट को डिसिपेट जल्दी करेगा, और ये जो मैच लगाया है यहाँ पे इसके अंदर इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी है, और एक बात मैं बताना चाहूंगा अब हम इसके अंदर डीपी किलर भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शन अरे यार ये भैया आपने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि क्या होता है आजकल ना पुलिस के चलान का सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया, तो डीपी किलर लगा के आप नॉर्मल अगर स्ट्रीट पे चला रहे हो तो आराम से चल जाएगी, और हाईवे पे हो तो डीपी किलर हटा दो, फिर भी आपको बताऊंगा डीपी किलर एक ऑप्शनल है, आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ये बहुत लाउड नहीं है एग्जॉस्ट, अच्छा ये बहुत ही खूबसूरत आवाज आती है, आपके एक हार्ले 83 या 70 की साउंड आपने नोटिस की होगी, रैप करता तो बहुत ही बेसी साउंड आती है, ठीक है ऑलमोस्ट ये वैसा ही साउंड करता है, लेकिन ज्यादा नहीं है कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लेवल के अंदर है, लिमिट्स के अंदर इसकी साउंड रहती है। और इसके साथ हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे जो है इसका क्रैश वाल्व, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर जिनके पास कॉन्टिनेंटल जीटी है, सर इंटरसेप्टर इशू आपको बता दूं व्यूअर्स को भी, इंटरसेप्टर का क्या हैंडल बार थोड़ा राइज है, थोड़ा उसकी राइडिंग पोजीशन जो है कंफर्टेबल, लेकिन जीटी इज अ कैफे रेसर, उसमें आपको थोड़ा सा झुके चलाना पड़ता है, उसमें बैलेंसिंग का थोड़ा सा इशू, उसमें प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रैश गार्ड आता है, जो हम आपको अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे। जैसे हम दिखाने वाले क्रैश गार्ड कम लेग गार्ड टाइप, तो ये आ चुका है हमारे पास हमारा क्रैश गार्ड कम लेग गार्ड, ये है वो क्रैश गार्ड आपके जीटी के लिए खासकर, तो बहुत ही ज्यादा सेफ्टी है जीटी के अंदर, क्योंकि जीटी जो है 350cc का इंजन है और कैफे रेसर है, और दिल्ली में इंडिया में खासकर यार जो भसड़ है जो अलग लेवल है, अलग लेवल का होता है, तो जीटी जैसी बाइक यार एक्चुअली कैफे रेसर जो होती है यार, एक्चुअली नाम से कैफे रेसर है तो यार बनी हुई रात के लिए है, तो उसके लिए बहुत जरूरी चीज है ये, एक कंप्लीट क्रैश गार्ड है उसका, ये आप अपनी बाइक पे इंस्टॉल करिए, इसका बेनिफिट ये रहेगा आपको कि ये फुल प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं ना, कि ये स्लाइडर साथ में लगे हैं, स्टेनलेस स्टील का एक क्रैश गार्ड है, बहुत रोबस्ट क्वालिटी है और काफी वेट भी है, वेट तो है, चेक करो आप खुद बताओ अपने व्यूअर्स को, आपकी बात मानेंगे आपके व्यूअर्स, आप बताइए क्या चीज है ये, ये है जिम रॉड तो ये वो चीज है, ये अपनी बाइक पे लगाइए है और बिल्कुल रिलैक्स करिए, राइड करिए इजीली, सबसे बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों के, वैसे कभी ऐसा हो ना आपके साथ, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा किसी के साथ ऐसा ना हो, फिर भी अगर आपकी बाइक भगवान ना करे कभी गिरती है, कभी कुछ होता है ऐसा कि स्किड करती है गिर जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपको प्रोटेक्शन देगा, और बहुत स्लीक है ये दोस्तों, देखने में बड़ा लगता है, हाँ वैसे लेकिन बाइक पे लग जाएगा ना
तो ये पूरा का पूरा इसका पर्पस क्या है, ये पूरा क्रैश गार्ड, इंजन गार्ड, कम रेडिएटर गार्ड है और साथ में स्लाइडर्स लगे हैं। तो जैसे तो दोस्तों ये वो चीज़ है कि बाइक जैसे ही आपकी कभी भगवान ना करे कभी गिरती है, तो जैसे ही नीचे गिरेगी तो ये स्लाइडर्स जो है एज अ साइड स्टैंड जैसे काम करेगा और बाइक का पूरा जो वेट है ये अपने ऊपर ले लेगा और ना ये बेंड होगा और ना ये क्रैक होगा और इसकी पूरी पूरी लाइफ टाइम वारंटी है अर्थिंग की। और दूसरा अगर वाइब्रेशन से क्रैक होता है लाइफ टाइम इसकी वारंटी। तो ये है आप लोगों के लिए सारी की सारी यूटी के एसेसरीज। इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे पास हेडलाइट्स मिल जाएंगी आपको, हमारे पास आपको हैजर्ड्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, कई चीजें हैं जो यूनिवर्सल है कई बाइक जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो नीचे व्हाट्सएप नंबर है एड्रेस है जाओ बात करो जो परचेज करने करो बेस्ट पर डिशी ब्लॉग से नाम पे देंगे ही देंगे। और अब जाते जाते बोलूंगा वीडियो को बढ़िया सा लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस पे चाहिए, एसेसरीज है सुपर बाइक पे या फिर नॉर्मल बाइक पे। और सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब का बटन याद रखिएगा दोस्तों, सारा सारा एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ।